हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। गाइस, आज एक जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड रहा है। शुरू से लेके जब से मैंने चैनल बनाया है अब तक बहुत भाइयों ने बोला है अलग अलग तरीके से, और इसके अलग अलग पार्ट्स में मैं रिएक्शन वीडियो बनाया हूँ। तो एक जो मुझे मिला है एक पार्ट, ये चार साहिबजादे मूवी से है। इसका टाइटल है 1.25 लाख से एक एक लड़ाऊं। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार मुगलों ने जो चार साहिबजादे थे उनको घेर लिया था पूरी तरीके से, तो 1.25 लाख पे एक सिख था, तो ऐसा कुछ था उनका कैलकुलेशन। 40-42 लाख लोगों की फौज लेके आए थे वो, उन लोगों की इतनी ज़्यादा फट गई थी ना, भयंकर वाली भाई। तो ये वो वीडियो है, मुझे इसका क्लिप मिला तो मैं सोचा क्यों ना इस पर रिएक्शन बनाऊँ। आई होप आपको इसकी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख लेते हैं आज, और आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। मानसिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्नी को होगी? आई कोई 10 लाख दे करीब। 10 लाख प्याली दे सामने 10 लाख सिंघां दे जोश तो किन्ना डरदी है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह, माँ पर ती, पिता पर कोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा थोड़ा, पर तू ता थोड़े तो भी कितने आगे निकल गया। अरे बहुत बढ़िया, 40 लाख नहीं 10 लाख। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हुन दसांगे दुश्मना नू कि एक सिंह 1.25 लाख दे बराबर किवे होता है। बोले सो निहाल। गल सुन नपन मियां, तू तो कहता सी मोटी पर सिंह ने, मैनू तो 100 की खबर सी, पर उन्होंने चकारे ने कन्ना दे पड़दे फाड़दे मैनू तो ज्यादा लगते ने। वह किन्ने होणगे? 100, 500, 1000, 80 लाखां विच। मैं जनाब वसीर खान नाल मशवरा करके आना वा, तू जा। तुसी जाओ। जयकारे सिंह कि इन्हां विचों कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानी जान सन उस रात वो भला किवें सौंदे। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। खोले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु, भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना, मुश्किल हुआ इस जगह से कदम आगे को धरना। आखिरकार बेटे थे यार, सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर गुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु, सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए दो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से, साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, ऐ देखना एक बात सुने भी नहीं हमने।
करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। भाई बस ये इतना सा ही वीडियो था, इसके बाद जो आगे की जो जंग वगैरह हुई थी वो सब आपको मेरी और प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसका पूरा वीडियो बना सकें, वीडियो देख सकें। तो ये था वीडियो के अंदर गाइस, मतलब कितनी बड़ी बात होती है कि किसी को पता है कि उनके दो बेटे कुर्बानी या शहीद होने वाले हैं या फिर लड़ने वाले, इतने बड़े इतनी बड़ी जनसंख्या यानी संख्या के साथ, जो कि 10 लाख लोगों की संख्या थी और ये 42 लोग, तो यार मतलब किसी बाप का ही जिगर बड़ा ही वाला होता है कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहा है, या फिर वो चाहता है कि उन्होंने बोला कि कुर्बानी उनके खून में। तो गाइज ये वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज़ मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाय बाय गाइज।